नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान। प्याज के मामले पर एक बड़ा फैसला हुआ है। लोकसभा चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट बैन से को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और प्याज पर जो एक्सपोर्ट पर बैन था प्याज पर, उसे हटा दिया है, यानी कि अब प्याज एक्सपोर्ट हो सकेगी। ये पूरा फैसला तब हुआ है जब पिछले दिनों प्याज को लेकर बड़ी सियासत हुई थी, प्याज को लेकर महाराष्ट्र बनाम गुजरात की जंग भी देखने को मिली थी। अब सवाल यही है कि इस प्याज एक्सपोर्ट बैन पर जो फैसला हुआ है, यानी कि प्याज एक्सपोर्ट से जो बैन हटा है, इससे चुनाव कितना बदलेगा। पहले सबसे पहले फैसला समझते हैं कि प्याज एक्सपोर्ट बैन का फैसला क्या है, किन शर्तों के साथ प्याज एक्सपोर्ट बैन का फैसला हुआ था, उससे पहले प्याज एक्सपोर्ट बैन पर कब बैन लगाया गया था, उससे पहले की स्थिति क्या थी, कैसे प्याज एक्सपोर्ट पर महाराष्ट्र बनाम गुजरात की लड़ाई हुई थी, और जो अब ये फैसला हुआ है इसके लोकसभा चुनाव के बीच जो ये फैसला हुआ, ये जोड़ना यहाँ पर ज्यादा जरूरी होगा, इसके क्या मायने निकलते हैं, इससे कितना चुनाव बदलेगा। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि प्याज एक्सपोर्ट बैन पर जो फैसला हुआ है, प्याज एक्सपोर्ट बैन पर केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार का जो वाणिज्य मंत्रालय है, जिसे हम डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं, की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें प्याज एक्सपोर्ट बैन से फैसला हटा दिया गया है। मैं यहाँ पे स्पष्ट जोड़ दूं, इससे पहले भी प्याज एक्सपोर्ट बैन 8 दिसंबर को प्याज एक्सपोर्ट बैन लगाया गया था, प्याज एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन 8 दिसंबर से लेकर अब तक इसके बीच भी सशर्त कई देशों को प्याज एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी गई थी। उसमें शर्त ये थी कि जो प्याज है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड की तरफ से एक्सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि एक जो सहकारिता मंत्रालय के अधीन जो बनाई गई NCEL है वो प्याज एक्सपोर्ट करेगी। लेकिन जो मौजूदा फैसला हुआ है इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है, प्याज एक्सपोर्ट खोल दिया गया है, खुले बाजार के लिए खोल दिया गया है, प्याज एक्सपोर्ट हर कोई कर सकेगा, लेकिन इसमें भी एक शर्त है। वो शर्त क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये जो फैसला हुआ है, हमने देखा कि बीते दिनों ये फैसला हुआ है, यानी कि लोकसभा चुनाव के बीच ये फैसला हुआ है, तकरीबन 149 दिन के बाद प्याज एक्सपोर्ट खुला है, प्याज एक्सपोर्ट पर से बैन हटाया गया 149 दिन के बाद। अगर हम लोग बात करें कि शर्त क्या है, तो सबसे पहले मैं शर्त क्या आऊंगा, इसको लेकर जो शर्त लगाई गई है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है जो भारत सरकार की, जिसके डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने, उन्होंने एक शर्त लगाई है कि मिनिमम यानी कि कम से कम जो है वो 500 पर मीट्रिक टन जो प्याज है वो उससे US डॉलर से नीचे एक्सपोर्ट नहीं होगा। इसके मायने जो निकालें अगर हम लोग कोशिश करें तो ये अपने आप में एक शर्त के साथ प्याज एक्सपोर्ट है, मैं उसको समझाऊंगा, फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे चीजें इसकी बदलती हैं। जो फैसला है यानी कि 550 US डॉलर प्रति टन से नीचे की कीमत का प्याज एक्सपोर्ट नहीं होगा, यानी कि केंद्र सरकार ने एक बार रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है इसमें भी, कि केंद्र तकरीबन 40 से 45 रुपए यानी कि तकरीबन 45 रुपए से ऊपर का ही प्याज एक्सपोर्ट करने की शर्त दी गई है, उससे नीचे का जो दाम वाला प्याज होगा वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। मौजूदा वक्त पे अगर हम लोग बात करें, मैंने आपको पहले बताया था कि 8 दिसंबर को ये फैसला हुआ था, उससे पहले भी एक शर्त लगाई गई थी प्याज एक्सपोर्ट को लेकर, जिसमें 40% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी गई थी प्याज एक्सपोर्ट करने पर, तो यानी कि प्याज एक्सपोर्ट करना महंगा हो गया था। उसके बावजूद भी प्याज के दामों में तेजी थी, जिसके बाद 8 दिसंबर को 2024 को ये फैसला लिया गया था। उससे पहले भी प्याज किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई थी, संभवित महाराष्ट्र के प्याज किसानों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब ये जो फैसला हुआ है ये लोकसभा चुनाव के वक्त ठीक पहले हुआ है। इससे पहले हमने देखा था कि जब सफेद प्याज के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी थी तो महाराष्ट्र में इसको लेकर सियासत हो गई थी। मैं बार बार महाराष्ट्र का जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है, जहां पर पे सबसे ज्यादा प्याज होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान है, और तीनों ही ये जो
राज्य हैं या जो प्याज क्षेत्र है जिसे हम ओनियन बेल्ट कह सकते हैं, जो 3 राज्यों में पड़ती है, ये चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका चुनाव पर क्या क्या असर पड़ेगा इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन संभावित तौर पर अभी हम इस पर बात करते हैं कि जब पिछले दिनों सफेद प्याज एक्सपोर्ट को जब मंजूरी दी गई थी तो इसको लेकर महाराष्ट्र बनाम गुजरात की जंग शुरू हो गई थी, क्योंकि गुजरात में सफेद प्याज की पैदावार होती है। तो महाराष्ट्र के किसान नेताओं ने और महाराष्ट्र के जो किसान संगठन है उन्होंने आरोप लगाया था कि गुजरात के किसानों को राहत देने के लिए ये फैसला लिया गया है। हालांकि उसके बाद केंद्र सरकार ने बीते दिनों जो बांग्लादेश बहरीन गल्फ देशों को प्याज एक्सपोर्ट का जो फैसला लिया गया था प्याज एक्सपोर्ट करने का एनसीएल के माध्यम से, उसके ऑर्डर दोबारा से रिलीज किए गए, जिसके बाद ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि सिर्फ सफेद प्याज ही नहीं, इस लाल प्याज भी तकरीबन 90 लाख टन से अधिक लाल प्याज को भी एक्सपोर्ट की मंजूरी दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी सियासत बढ़ती गई, लगातार प्रेशर बना हुआ था, और इस बीच चुनाव के बीच, क्योंकि अब महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं आपके, बाकी हम जब देख रहे हैं कि अब चुनाव जब पीक पर है तो उसके बाद महाराष्ट्र की चुनावी रणनीतियां बहुत मजबूती से कसी जाने लगी हैं, महाराष्ट्र का चुनावी माहौल गर्म है, महाराष्ट्र का चुनाव है, तो ऐसे में इस बीच ये फैसला हुआ है। ये फैसले का असर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र के साथ साथ संभावित तौर पर गुजरात और राजस्थान पर भी पड़ेगा और मध्य प्रदेश पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये चारों ही राज्य हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र में नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, अहमदनगर और धुले में सबसे अधिक प्याज होता है। इसके साथ साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मंदसौर बेल्ट जो है, मंदसौर सीहोर के पास बहुत अधिक प्याज होता है। इसी तरीके से गुजरात में भी बड़ी प्याज बेल्ट है, राजस्थान में भी बड़ी प्याज बेल्ट है। अब जो विधान लोकसभा चुनाव है उस पर कितना असर पड़ेगा इसकी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से जो शर्त के साथ प्याज हुआ है, अब महाराष्ट्र में रवि सीजन की प्याज की आवक हो रही है संभावित तौर पर, कुछ इसी तरीके से गुजरात और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी रवि सीजन की प्याज की आवक मंडियों में हो रही है। किसानों को इस वक्त जो दाम मिल रहे हैं वो बेहद कम है, 10 रुपए से कम किसानों को दाम मिल रहा है। ऐसे में संभावित तौर पर इस फैसले का असर बाजार पर पड़ेगा, बाजार में प्याज के दामों में संभावित तेजी आने की संभावना है। तो हालांकि एक शर्त जो है 46 रुपए, यानी कि जो 550 डॉलर मीट्रिक टन की जो शर्त लगाई गई है, क्योंकि मैं उसको लेकर डॉलर की जो गिरावट का दर होती है उसके हिसाब से रेट ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैं उसको फिक्स अमाउंट के तौर पर नहीं ले रहा हूँ, उसको संभावित तौर पर 40 से 45 या 46 रुपए के आसपास मानने की आवश्यकता है। तो ऐसे में वो एक ये चीजें निकल कर आती हैं कि वो एक शर्त है, उस शर्त के बीच प्याज एक्सपोर्ट करना, यानी कि अधिक कीमत का प्याज ही एक्सपोर्ट करना होगा, जिन देशों को हायर प्रायोरिटी पर प्याज की आवश्यकता होगी उन देशों को ही व्यापारी प्याज एक्सपोर्ट करेंगे, अच्छी क्वालिटी के प्याज का एक्सपोर्ट होगा नो डाउट, और जाहिर तौर पर किसानों को इसके दाम मिलेंगे। लेकिन संभावित तौर पर ये नहीं माना जा सकता कि किसानों को बहुत अच्छे बेहतर दाम तत्काल मिलने शुरू हो जाएंगे। अब इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा इसको अगर दोबारा समझें, तो जाहिर तौर पर अब किसान की जो नई आवक हुई है इस पर ये मान कर चलेंगे कि इस फैसले का असर ये होगा कि बाजार में संभावित तौर पर 2 से 3 रुपए किलो के प्याज के दामों में बढ़ोतरी होगी, और जो किसान प्याज स्टॉक करने जा रहा था, जो प्याज किसान सस्ते दामों में बेच रहा था, वो किसान बाजार में बेचेगा, तो ये स्थिति किसानों को लाभान्वित करेगी, और किसानों को लाभ होगा तो संभावित तौर पर किसान जो किसानों का जो गुस्सा था उस पर कुछ असर पड़ेगा। अब ये गुस्सा किस तरफ कन्वर्ट होगा ये देखने लायक होगा। प्याज पर ये हमारी कोशिश थी, आपको प्याज पर हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो